हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आपने जो हम लोगों ने साइंस एंड टेक की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसके दो लेक्चर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, और आज हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी पे पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो बिग डेटा है, इनके ऊपर दो लेक्चर्स आ चुके हैं। जिन्होंने देख लिया उन्होंने अपने नोट्स बना लिए होंगे, और जो लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए थे मेंस के लिए, वो क्वेश्चंस आप लोगों ने लिखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज़ आप लोग जाके देख लीजिए, ओके, और उन आंसर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। चलो आप लोग आगे चलते हैं। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहले की तरह कि भाई सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस में किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। PYQ, अगर इससे रिलेटेड अगर पहले कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, ये टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी पे ये काम करती है, बेसिकली इसके फीचर्स क्या हैं, और इंडिया में अभी इसका क्या स्टेटस है, ठीक है। अब जो फीचर्स हैं या बेनिफिट्स हम लोग जो पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड फिर इसके साथ साथ इश्यूज भी पढ़ने हैं कि क्या दिक्कतें आती हैं इसमें, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी डील करते टाइम। और इसका वे फॉरवर्ड, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें लिखोगे, किस तरीके से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो, तो वो चीज़ें। फिर लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, 2 नंबर के या 5 नंबर के, ठीक है, तो वो आप लिख के अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो उनको। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ भाई, सिलेबस में देखो, प्रीलिम्स के सिलेबस में भी दिया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी, और मेंस के सिलेबस में भी क्रिप्टो करेंसी मेंशन है, ठीक है। प्रीलिम्स में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, दो वी आर नॉट श्योर कि कैसे क्वेश्चन पूछे, बट एक ट्रेंड जो बताता है उससे पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे है। मान लो कि क्या करेगा वो, कुछ क्रिप्टो करेंसीज के आपको नाम दे देगा, जैसे मान लो डोज कॉइन का नाम दे दिया, क्योंकि आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है, तो डोज कॉइन का नाम दे दिया और आपसे बोलेगा कि ये क्या है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये कोई ड्रग्स है, या कोई ये मिसाइल है, या कोई स्पेसशिप है, या फिर ये क्रिप्टो करेंसी है, या कुछ भी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछेगा कि मान लो इसकी फीचर्स हैं, फीचर्स से पूछ लेगा कि भाई इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी है वो लीगल है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल देगा कि ये डिसेंट्रलाइज, या सॉरी सेंट्रलाइज, बहुत सेंट्रलाइज करेंसी है ये, ओके, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, मतलब कोई भी फीचर जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे उस तरीके से थोड़ा सा येस और नो करके स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर देगा, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। मेंस में किस तरीके से आता है क्वेश्चन, मेंस में हम लोगों ने जो हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसमें ये चीज़ बताई थी कि देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सिंपल सिंपल वर्ड, जब कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ो आप तो कुछ वर्ड्स की तरीके से उनके नोट्स प्रिपेयर कर लो, जैसे कि भाई वो टेक्नोलॉजी होती क्या, व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी, मान लो जैसे व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी हो गया, या फिर उसको एक्सप्लेन करो, उसके यूजेस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, फिर उसके डिसएडवांटेजेस क्या है या एडवांटेजेस क्या है, या फिर वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, बस ये 5-7 चीज़ें अगर आप बना लोगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे और आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। जैसे इससे रिलेटेड क्या PYQ पूछा गया है कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सीधा पूछा है 5 मार्कर में कि भाई क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब इस बार क्या पूछ सकता है कि मान लो आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ लेगा, या फिर स्टेटमेंट को इस तरीके से चेंज कर देगा, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स एंड व्हाट आर इट्स नेगेटिव इंपैक्ट्स, ऐसे कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव के तरीके से पूछ लेगा। तो ऐसे ही आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली होता क्या, बट उससे पहले मैं बता दूं क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि करंट का टॉपिक है और करंट में आए दिन इसके बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही होती है, जैसे कोई ना कोई या तो स्कैम आ जाए कि क्रिप्टो करेंसी पे स्कैम, लोगों ने इन्वेस्ट किया पैसा उड़ गया पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है, या G20 में भी क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, G20 में अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि भाई अपने को ना मतलब जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं उनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पर भी बात हो रही है। फिर इंडिया ने अभी वो जनवरी में या जैन या फेब में बोला कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस इंप्लीमेंट होंगे क्रिप्टो करेंसी में। 2002 में एक लॉ आया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, ठीक है, अभी तक क्रिप्टो करेंसी इसमें इंक्लूड नहीं थी, लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी को इसमें इंक्लूड कर दिया। या अभी आप लोगों ने सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी में अगर ट्रांजेक्शन करते हो या फिर आप फाइनेंशियल चीज़ें करते हो तो उसमें 30% टैक्स लगेगा आपका, ओके, फिर ये दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी कोलैबोरेट हो रहे हैं, ओके, या फिर कोई स्कैम, वही सारी चीज़ें मतलब न्यूज़ में किसी न किसी तरीके से बना रहता है, क्रिप्टो करेंसी तो इंपॉर्टेंट है, ओके। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखते हैं कि 2008 में देखो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, कहाँ पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, पहले US से स्टार्ट हुआ था, बेसिकली रिसेशन स्टार्ट हुआ था। रिसेशन होता क्या है आप सबको पता होगा, रिसेशन क्या होता है कि जब हमारे दो क्वार्टर लगातार अगर नेगेटिव ग्रोथ दिखा दे कंट्री, तो मतलब GDP नेगेटिव
ग्रोथ में जाए तो उसको बोलते हैं रिसेशन। तो उस टाइम पे सतोशी नाकामोटो, जिसके बारे में आज तक नहीं पता ये औरत है, आदमी है, कोई ग्रुप है, कौन है ये, ओके कुछ नहीं पता सतोशी नाकामोटो कौन था, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को ईजाद किया था, ठीक है। और ये होता क्या है, ये एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है। जैसे अपने पास 1000, 2000, 5000, 2000 के नोट होते हैं, उनको तो अपन छू सकते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये डिजिटल करेंसी है जो कि यूज़ करती है क्रिप्टोग्राफी का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि एक डिजिटल करेंसी है या फिर वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करती है, किसके लिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। मतलब एक किस्म का करेंसी ही है लेकिन डिजिटली अवेलेबल है ये, ओके। अब आगे देखते हैं कि भाई इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। अब क्रिप्टो करेंसी देख लिया, अब इसकी फीचर्स देखते हैं। जैसे अपने यहाँ पे अगर नॉर्मल तरीके से बात करें तो नॉर्मली जब हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मान लो ए को बी को पैसा भेजना है, तो वो या तो फोन पे के थ्रू भेजेगा, ठीक है, या पेटीएम के थ्रू भेजेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं, लेकिन वो ऐप भी किससे कनेक्टेड होती हैं, आपके अकाउंट से कनेक्टेड होती हैं। तो HDFC हो गया, SBI हो गया, बैंक भी कनेक्टेड हो, तो मतलब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। जब आप एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा भेज रहा है तो वहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को आप डायरेक्ट भेज सकते हो। आपने एक ऐप डाउनलोड किया, जैसे WazirX है, WazirX डाउनलोड किया आपने और आप किसी दूसरे बंदे को क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्ट भेज सकते हो, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये जो मैंने एग्जांपल बताया फोन पे वाला, ये थर्ड पार्टी है। अब भाई ये अपने को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है ना, तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है तो चार्ज भी करेंगी, चार्ज करेंगी तो अपने को महंगा पड़ता है क्योंकि अपने को पैसे लगते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता, बहुत चीपर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। सेफ एंड सिक्योर होता है, क्यों, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल अदर सेक्टर्स में जैसे एजुकेशन में भी गवर्नमेंट इसको यूज़ करने लगी है अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, ठीक है। प्लस में भाई पासवर्ड होता है, एक की होती है हर एक ट्रांजेक्शन की, ठीक है। उस तरीके से आपका जो भी अकाउंट होगा उसके अपना अपना एक पासवर्ड होगा तो वो सेफ एंड सिक्योर रहता है, ठीक है। मिनिमम फीस लगती है आपका फंड ट्रांसफर करने में, ये चीज़ हम लोगों ने देखा। बेसिकली ये इसकी फीचर है कि ये डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज मतलब इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है। जैसे भाई 1000 का नोट जो है उसको तो कौन रेगुलेट कर रहा है, RBI रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई सेंट कोई एक आदमी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक कंट्री नहीं बैठी है जो इसको रेगुलेट कर रही हो कि क्या कितना क्रिप्टो करेंसी का दाम होगा, कितना नहीं होगा, या फिर इसको कब बंद करना चालू करना, ये सारी चीज़ें कोई वो नहीं है। लेकिन जो अपना जो ट्रेडिशनल तरीका जो अभी अपने नोट जो चलन में है उन पर तो किसका कंट्रोल है, एक सेंट्रल अथॉरिटी, और वो कौन है, RBI है, ठीक है। प्लस ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। तो ये सारी फीचर्स थी जो हम लोगों ने देखा। तो अभी आगे इसी से रिलेटेड एक बार और बात कर लेते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली ब्लॉकचेन होता क्या है, जैसे अपने बही खाते नहीं होते थे, एक रजिस्टर होता था मोटा था जिसमें हम लोग क्या करते थे, लेन देन लिखते थे, है ना। पहले देखा हुआ सेठ लोगों के पास होते थे, वो रेड कलर की होती थी, है ना, बही खाते बोलते थे जिसको, तो उनमें लेन देन लिखी जाती थी सारी। सेम इसी तरीके से ब्लॉकचेन में ना सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नोट होते हैं, ओके। और वो नोट किस तरीके से, मतलब एक ये लेजर बन जाता है, लेजर भाई मतलब बही खाता, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो लेजर, वो जितने भी वो जो अकाउंट डिटेल्स हैं, वो ट्रांजेक्शन की डिटेल्स हैं, वो जितने भी कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड हैं उन सारे नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स में होते हैं। मतलब कोई एक सिंगल सिस्टम है ना, एक सिंगल सिस्टम उस सारे जो ट्रांजेक्शन डिटेल है उसको कंट्रोल नहीं करता या उसमें नहीं होती, वो सब में होती है, उनको बोलते हैं ब्लॉक्स अपन। और ये ब्लॉक, जैसे इस ब्लॉक में मान लो XYZ इन्फॉर्मेशन है, XYZ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो ये अगले वाले ब्लॉक से कनेक्टेड होगा, ये भी कनेक्टेड होगा, इससे आगे कनेक्टेड होगा और एक चेन बन जाती है, इन ब्लॉक्स की चेन बन जाती है, इसीलिए इसको ब्लॉक चेन बोलते हैं ना। तो ये जो XYZ इन्फॉर्मेशन है वो इस ब्लॉक में भी होगी, ठीक है। XYZ प्लस में कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो P, ठीक है, तो मतलब पीछे वाले ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन इस वाले ब्लॉक में भी होगी। तो ये एक अलग फिंगरप्रिंट बन गया, इसकी ये अलग पहचान, मतलब जैसे इसकी की पासवर्ड ये है तो इसका की पासवर्ड ये बन गया। अब इसका की पासवर्ड में क्या होगा, XYZ भी होगा प्लस P भी होगा प्लस में आपका A होगा, मतलब जो इसका होगा, ठीक है। तो हर एक ब्लॉक का एक अपना अलग पासवर्ड, वो फिंगरप्रिंट होता है जिसको हैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैश बोलते हैं, फिंगरप्रिंट। जैसे हर एक इंसान का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, ऐसे ही इन ब्लॉक्स का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। तो अगर मान लो एक ब्लॉक में भी छेड़खानी हुई, इसके XYZ पे कहीं भी छेड़खानी हुई तो इसमें छेड़खानी हो जाएगी,
इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज होते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे छेड़खानी हुई है। इसीलिए बोलते हैं कि ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन होता है वो सेफ होता है, सिक्योर होता है, वो सबको पता, जितने भी सिस्टम कनेक्टेड होते हैं उन सबको पता चल जाएगा कि कहाँ पे दिक्कत हुई है। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी, इसमें अपने को इतना ज़्यादा अभी जाना नहीं है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है और वो ब्लॉक सिस्टम होता है, ब्लॉक में हर एक उसका पासवर्ड कह लो या फिंगरप्रिंट कह लो, उसको हैश बोलते हैं, उनमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और ये जो ब्लॉकचेन होता है एक तरीके का लेजर होता है, मतलब बही खाता होता है, जिसमें सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टोर होते हैं और वो एक किसी एक सिस्टम में स्टोर नहीं होते, वो जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है वो सब में होते हैं। अब ये देखो, हमने टेक्नोलॉजी पढ़ ली, इसके फीचर्स पढ़ लिए, तो उसके बेनिफिट भी होंगे क्या? एक तो भाई सिक्योर है, सिंपल, अभी देखा ना कि सिक्योर ट्रांजैक्शन है, कोई वो उसके उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता। दूसरा, एक तो कम पैसा लगता है भाई ट्रांजैक्शन करने में आपको, वो थर्ड पार्टी जब हटा दी तो फीस कौन चार्ज करेगा, आप डायरेक्टली पैसा भेज रहे हो, ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं होता बैंकिंग सिस्टम का, बैंकिंग मतलब सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट का, या कोई सेंट्रल जो बैंक हो उसका कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, आप अपने तरीके से कर सकते हो। लोअर एंट्री बैरियर्स, भाई जैसे होता है ना कि बैंकिंग सिस्टम की भाई अलग अलग डिमांड होती है, ये लेके आओ आप, ये लेके आओ, कोई ऐसा नहीं है, आप ऐप डाउनलोड करो, केवाईसी करवाओ, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उसमें ट्रेड कर सकते हो, है ना, ठीक है। यूनिवर्सल रिकॉग्निशन, अब हो सकता है कि भाई नेपाल का पैसा इंडिया में ना चले, या फिर रुपया जो है वो यूएस में ना चले, या कहीं जाके मना कर सकता है कोई वहाँ पे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में तो लोग डील करते हैं, मतलब वहाँ पे भी बिटकॉइन का वही प्राइस है, यहाँ पे भी बिटकॉइन का वही प्राइस है, आप आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, तो यूनिवर्सल रिकॉग्निशन है वहाँ पे, ओके। फिर दूसरी चीज़, अब सोचो ट्रांजैक्शन अगर हमारा फास्ट हो जाए, भाई बैंक में तो क्या होता है कि अगर मान लो 24 घंटे ना हो चीजें, आज छुट्टी है तो बंद हो गया ट्रांजैक्शन, या फिर किसी भी कारण से ट्रांजैक्शन, या फिर होता कि भाई अभी भेज दिया आपने, 24 घंटे के बाद ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे तो एक बार क्लिक किया आपने, क्रिप्टो करेंसी आपका पहुँच गया, तो जितना फास्ट ट्रांजैक्शन होगा, तो व्यापारियों के बीच में तो अगर फास्ट ट्रांजैक्शन हुआ, पैसा लेन देन फटाफट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है ई कॉमर्स बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी इस तरीके से आप, और ये एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है, मतलब उधर तो भाई पहले पैसे डॉलर में एक्सचेंज कराओ, डॉलर को पैसे में एक्सचेंज कराओ, वहाँ पे फिर टैक्स लगेगा, तो वो सारी चीज़ें, लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी में डील होगा तो फिर वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ये सब लफड़े नहीं पालने पड़ते, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, अब कुछ बेनिफिट्स हैं तो उसके साथ कुछ दिक्कतें भी होंगी, क्या दिक्कतें? एक तो सिंपल सी बात है भाई, आम इंसान को ना पैसा समझ आता है कि भाई मैंने ये पेन खरीदा और इसका पैसा मैंने दे दिया, या फिर जिस दुकानदार ने पेन बेचा उसको ये लगा भाई इस पेन का पैसा मेरे पास आ गया, तो ये 100 रुपये का नोट है, ये मेरे पास है, मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ भाई मेरा पैसा आ गया, आराम से समझ आता है ये पैसा लो और ये पैसा दो, बहुत इजीली है आप समझ जाओगे इसे। लेकिन पहले क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए ऐप डाउनलोड करो, सारा सिस्टम इंग्लिश में, एक तो ठीक है हालांकि हिंदी बहुत सारी ऐप हिंदी में भी कर रही होगी, बट भाई किस क्रिप्टो करेंसी का कितना प्राइस है, यहाँ पे तो सिंपल है भाई 500 रुपये हैं तो 500 हैं, वहाँ पे तो वो पता चला अभी 500 थे रात को 1000 हो गए, कितना हो गया, हर दिन वो इतना जल्दी चेंज होता है। ओके, जैसे वोलेटिलिटी का तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ कि एलन मस्क ने एक बार अपने कुत्ते का फोटो डाल दिया, डोज जो ब्रीड का कुत्ता होता है उसी के नाम पे डोज कॉइन बना, डोज कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, अपने कुत्ते का फोटो डाला, कुत्ते का फोटो डालते डोज कॉइन के प्राइसेस 2 से 3 रुपये बढ़ गए, आप सोचो इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। ओके, कोविड आ गया, प्राइसेस एकदम डाउन हो गए, मार्केट एकदम रेड होगी कि क्रिप्टो करेंसी वाले जो मार्केट है सारी चीज़ों के दाम, एक बार पता चला 2017 में कि भाई 35 लाख पहुंच गया बिटकॉइन का प्राइस, अब पता चल रहा है कि 8 लाख रुपये है एक, तो कितना ज़्यादा वेरिएशन है देखो। ओके, फिर दूसरा भाई आजकल आप देख रहे हो कि साइबर अटैक्स कितने ज़्यादा, पता चला अपना फ़ोन अपना लैपटॉप हैक कर लिया, गया पासवर्ड, ठीक है, फिर हम लोग क्या करें, कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे हम लोग, ठीक है, तो ये ज़्यादा इशू है। नेक्स्ट चीज़ कि क्रिप्टो करेंसी का लोग क्या करते हैं, इलीगल चीज़ों को खरीदने के लिए, जैसे ड्रग्स हो गए, हथियार हो गए, ठीक है, या मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, क्यों? आप सोच के देखो, क्या वो फ़ोन पे से हथियार खरीदने जाएगा? नहीं खरीदेगा ना, या फ़ोन पे से कि ड्रग खरीदेगा, ऐसा नहीं होता। वो जैसे डार्क वेब हो गया, ये जो ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे जाके वो ड्रग्स या फिर हथियार या जो कुछ भी चीज़ें हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली चीज़ें भी वहाँ पे होती हैं, तो उनमें जो लेन देन होता है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होता है। क्यों? अभी देखा ना कि क्रिप्टो करेंसी की कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं, तो उसको कैच करना, पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। फिर एक और थ्रेट है कि ये जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसके लिए खतरा है। कैसे? अगर मान लो सब लोग क्रिप्टो करेंसी में डील करने लग गए, सब लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर जो नॉर्मल फिजिकल मनी है उसमें कौन, बैंकों में पैसा कौन जमा करेगा? मैंने अगर अपना सारा पैसा
भाई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया तो बैंकों में जो FD होती है, सेविंग्स होती है या प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, उनमें पैसा जाएगा नहीं, और जब तक तो वहाँ पैसा नहीं जाएगा तो बैंक कैसे चलेंगे, और बैंक नहीं चले तो कंट्री कैसे चलेगी, लोगों को लोन कैसे मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ स्पेकुलेशंस है। और एक हाँ, स्पेकुलेशंस के बारे में तो बात बता ही चुका मैं कि भाई स्पेकुलेट कर दिए, पता नहीं है आज आप सोए सुबह उठ के देखा तो कितना दाम बढ़ गया, कुछ नहीं पता। ओके, अब देख लेते हैं कि इंडिया में क्या स्टेटस है। बेसिकली इंडिया में भाई RBI ने 2018 में ना बैन कर दिया था, बैंकों को ये बात बोल दी थी कि भाई आप लोगों के थ्रू जो ऐप जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती है वहाँ से ट्रांजेक्शन नहीं होगा, बैन कर दिया था। ठीक है, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनाई, उन्होंने भी यह बात बोली कि हाँ बैनिंग को सपोर्ट कर दिया। लेकिन फिर आया कौन, सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री आपको पता है जुडिशियल रिव्यू की तरह होती है, एकदम ना जुडिशियल रिव्यू वाली बोल फेंक देता है। तो यहाँ पे भी आगे बोलो भाई आप कौन होते हो, RBI को बोला कि आप कौन होते बैन करने वाले, आपको तो काम ही नहीं है, तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। और भाई आप बिजनेस को कैसे रोक सकते हो, बिजनेस तो करेंगे ना लोग, राइट टू बिजनेस है लोगों का, मतलब राइट है ये, तो आप कैसे रोकोगे उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। ठीक है, अभी फिर एक लॉ भी लेके आए 2021 में, मतलब बिल लेके आए, उस पर लॉ बनने की बात हो रही है, जैसे क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, कि क्रिप्टो करेंसीज को बेसिकली रेगुलेट कैसे किया जाए, उसके लिए कि कैसे अवेयर किया जाएगा लोगों को, कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उस पर कितना टैक्स लगेगा। जैसे मान लो 30% टैक्स लगा दिया, प्लस में 1% TDS की बात की गई बजट में, है ना। फिर अगर आप आज के दिन पे अगर स्टेटस पूछो क्रिप्टो करेंसी का, तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी जो है इलीगल है, इलीगल नहीं है, ठीक है, लोग ट्रांजेक्शन करते हैं और काम होता है इसमें। अभी जैसे गवर्नमेंट भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेके आ रही है रेगुलेट करने के लिए। अगर मैं पर्टिकुलरली जैसे इंडिया की, अपन ने बूस्टर में क्या सीखा था कि अपने को आंसर में लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल एग्जांपल्स अपने पास होने चाहिए। तो इंटरनेशनल वो नेशनल लेवल की तो चीज़ें बता दी कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। अगर लोकल लेवल की बात करें तो काशा एक कंपनी है, उन्होंने बैंक लॉन्च किया, क्रिप्टो बैंक लॉन्च किया कहाँ पे, जयपुर में। तो ये आप एग्जांपल लिख सकते हो अपने आंसर्स में, और RS में जब कॉपी चेक होगी तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोगों ने देखी। अब देख लेते हैं कि अगर 10 नंबर में ये क्वेश्चन आता तो वे फॉरवर्ड क्या लिखेंगे। अब देखो आप सिंपल वे फॉरवर्ड में इस तरीके से लिखा जाता है कि यार जो खामियां थी ना उन खामियों को ठीक करना है और अच्छा बनाना है, सब कुछ अच्छा अच्छा करना है। ठीक है, तो क्या करो भाई, खामियां कम करो भाई, KYC नॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ ना। आप ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया चीज़ों कर रहा है, आधार कार्ड से लिंक करो, पैन कार्ड से लिंक करो भाई, जो फिंगरप्रिंट है वो लो, है ना, बायोमेट्रिक कराओ, तो किसी भी तरीके से मतलब स्ट्रॉन्ग बनाओ सिस्टम को, इसको लोगों को अवेयर कराओ कि क्रिप्टो करेंसी में किस तरीके से डील करना है, या डील करने से पहले जानो इसको, पढ़ो कि कैसे इनमें वोलेटिलिटी होती है, ओके, कब इनके प्राइसेस अप डाउन होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, या फिर सेंट्रल बैंक ने जो लॉ बनाए हैं या बिल जो उनको एक्ट में कन्वर्ट करो, उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि फ्रॉड ना हो सके। ओके, दूसरी चीज़ भाई, इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, उनकी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी से डील कर रही हैं ताकि इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो। अब एक रिपोर्ट आई, जैसे ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स आया, ये आप लिख सकते हो कि इंडिया वहाँ पे 4th नंबर पे। इसका क्या मतलब है कि इंडिया में 4th नंबर पे सबसे ज़्यादा लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा है जिन लोगों ने। अब आप सोचो कितनी सारी पॉपुलेशन है जो क्रिप्टो में डील कर रही है, क्या इंडिया बैन कर सकता है, बैन करना अफोर्ड कर पाएगा, उसका इकोनॉमी पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो वो एक बहुत मतलब मुश्किल सी चीज़ है, मतलब ये नहीं कह रहा कि होगा नहीं, कर सकते हैं वो तो सरकार के हाथ में, बट करने के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे वो अभी उन पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगेगा वहाँ पे। ओके, एक और चीज़ देखो भाई, आज 21वीं सदी है, वो टेक्नोलॉजी की सदी है, ठीक है, तो हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमारी सरकार को। हम ये नहीं कह सकते कि इस टेक्नोलॉजी को हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे। अब अगर मान लो जापान है, जापान ने क्रिप्टो करेंसी को लागू कर दिया, उनको लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया, तो वो तो उसमें ट्रेड करेगा। अगर हमें जापान से ट्रेड करना, तो अगर उन्होंने कंडीशन रख दी कि भाई हमें इस तरीके से डील करना, तो हमें ना किसी भी टेक्नोलॉजी को ऐसे रेंडमली बैन नहीं करना चाहिए। हमें पहले उसके प्रोज कॉन्स, क्या सही है क्या गलत है, वो जानने चाहिए, और हमेशा रिफॉर्म्स लाने चाहिए, रेगुलेट करनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसे मना नहीं कर सकते चीज़ों को। तो ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसमें हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, हमें चीज़ों को सीखना पड़ेगा और नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, इसकी फीचर्स क्या हैं, ओके, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, फिर इसमें इश्यूज़ क्या क्या हैं, इंडियन गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है, राजस्थान का एग्जांपल कासा बैंक वाला देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, या और फिर इसके बाद वे फॉरवर्ड देख लिया। इतना ही बहुत है हमारे एग्जाम के लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के एग्जांपल जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, रिप्पल हो गया,
डोज कॉइन हो गया, ये आप तीन चार एग्जांपल याद कर लेना। ओके, कासा बैंक का भी याद रखना अपना, इंडिया का जो, सॉरी राजस्थान का। तो इससे जो अभी अपन लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन है, कर लेना, आराम से लिखना बूस्टर वाली चीज़ों को, कि क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना है, एग्जाम्पल कहाँ लिखना है, कितना लिखना है। दो नंबर का क्वेश्चन है तो 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं, 5 नंबर का है तो 8 से 9 पॉइंट लिखने हैं। सारे पार्ट्स जो जो क्वेश्चन में दिए गए हैं सबको डिस्कस करना है। डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बनाना है, नहीं बना सकते तो नहीं बनाना है। देख लेना कि क्वेश्चन की डिमांड है या नहीं है। पॉइंट्स में लिखना है, सब हेडिंग डालनी है, एग्जाम्पल से अपनी बात को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो क्या है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिख लेना। ठीक है, डेफिनेशन लिखना, एग्जाम्पल लिख देना, क्या क्या बेनिफिट्स हैं या ड्रॉबैक्स हैं अगर क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट में यूज करने लग जाए अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ माइट इट चेंज द फाइनेंशियल लैंडस्केप। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा सोचना, दिमाग लगाना अभी तक जितना पढ़ा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन गूगली भी आ जाता है, तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो मेन्स टेस्ट सीरीज को जो रिस्पॉन्स दिया है वो मतलब कमेंडेबल है, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। थैंक यू वेरी मच जो आप लोगों ने हम लोगों पे इतना ट्रस्ट किया, एंड वी कैन अश्योर यू कि हम लोग आप लोगों का ट्रस्ट नहीं टूटने देंगे, बस आप लोग ऐसे ही ट्रस्ट करते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।